चित्रा तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी उठो। माँ मैं तो आधे घंटे पहले ही जाग गई थी। ये है मेरी माँ वासु की अय्यर लुइस। पापा और माँ की इंटरकास्ट शादी हुई थी। मेरी माँ के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि वो बहुत बड़ी कथकली डांसर है, लेकिन मुझे तो वो डांस कभी समझ ही नहीं आया। हमारे खुद के शहर कोचीन में कितने लोग जानते हैं कि कथकली नृत्य के आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पे किए जाते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेचारी माँ बाथरूम में फिसल गई और उनका हाथ टूट गया। सभ्यता की तरफ ज्यादा है और शिक्षा का तरीका भी वैसा ही होता जा रहा है। कलाकार कोई एक रूप नहीं होता, किसी को खाना बनाना पसंद है तो किसी को पेंटिंग और एक छोटी सी शादी होती है। इसे सब कुछ अभी तक टाइम पास कर रही हो? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कला करो कोई भी, बस किसी भी वक्त आ जाएगी, जाओ जल्दी तैयार हो। अपने बच्चों की रुचि को पढ़ाई के बोझ तले मरने ना दे और उन्हें उनकी जिंदगी जीने दे। जाओ जाओ बैठ जाओ। चाचा जी नमस्कार, आप ठीक तो हैं? भाभी बच्ची को लंच दे दिया ना? फिर वही ब्रेड जैम चढ़ जाओ। इडली टिफिन बॉक्स लेकर जाओ। मैं पहले ही लेट हो गई हूँ माँ। चित्रा कितनी लापरवाह हो तुम। क्या हुआ माँ? तुम अपना आई कार्ड भूल गई थी, स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी प्यारी बच्ची ये बैग मुझे दे दो, टेंशन मत लिया करो, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? बच्ची को हाथ लगाए बिना काम नहीं कर सकते अपना? बस की वार्डन का है, बस की वार्डन का है, बुलाओ उसे। वो बेचारी छुट्टी पे गई हुई है। बहन जी जरा पुलिस को फोन लगाइए। छोड़ूंगी नहीं इसे। जाने दो ना वासुकी, पहले ही देर हो चुकी है, आंखें दिखाओगे मुझे? क्या भाभी, वो मेरी बेटी जैसी है। अच्छा तुम गलत सोच रहे। चलो जाओ जाओ। मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? वासुकी तुम्हें हो क्या गया है? छोटी सी बात का इशू कर रही हो। आपके लिए ये छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। उफो, ये माँ को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, उनकी वजह से मुझे शर्म आ रही है। लेकिन पापा ऐसे नहीं है, वो तो सेलिब्रिटी है। कमल ये कौन सा गाना है? फिल्मी गाना है सर, फिल्म बहुत हिट हुई। अच्छा ठीक है, रेडी रेडी है सर। हाँ नमस्कार, सभी दर्शकों का आज एक बार फिर से कतरन में स्वागत है। आज के शो में हम लोग दो फिल्मों की कहानी पर कैंची चलाएंगे। सबसे पहली को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर मार्क परमेश्वरन ने। ये फिल्म एक नई जनरेशन की फिल्म है जो की रोमांस थ्रिलर है। दूसरी फिल्म डायरेक्ट की है डायरेक्टर जॉय पीटर ने और ये एक हॉरर फिल्म है। गुंडा भाई टपोरी ये सारे शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि फिल्म की कहानी आखिर किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन इन सब से हटकर डायरेक्टर ने एक नई मिसाल बनाई है। और ये वो फेमस शो है जिसे मेरे पापा होस्ट करते हैं। वैसे अब आप लोगों ने रात की न्यूज तो देखी होगी ना, मेरे पापा गेस्ट सेलिब्रिटी थे, लुइस कोथिन। वैसे बाकी फिल्मों की तरह ही इन फिल्मों में भी हीरोइनों का काम बस हीरो के साथ नाचना और गाना ही था। और बाकी फिल्मों की तरह ही लड़की कोलू का बैल बनती है और जबरदस्ती उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है। तीसरी फिल्म की कहानी वही घिसी पिटी पुरुष प्रधान कहानी है जो आप सदियों से देखते आ रहे हैं। वैसे वो एक आर्टिस्ट भी हैं। मेरी माँ पापा के मेन मॉडल हैं। और हाँ मेरे पापा एक वकील भी हैं। ज्यादातर वो डिवोर्स केस ही हैंडल करते हैं और इसलिए मेरी मम्मी उन्हें प्यार से डिवोर्स लॉयर बुलाती हैं। कोची अब पुराना कोची नहीं रहा दोस्त। नई डीसीपी के बारे में सुना है आपने? एक स्मार्ट लेडी है डीसीपी जीना कुमारी आईपीएस, मर्दानी फिल्म की रानी मुखर्जी तो याद ही होगी आपको। बिल्कुल उनके जैसे ही वो भी मर्दानी है। उनके कारनामे सुन लिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो अभिलाष भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी अपने प्यार से शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने के साल भर में ही प्यार
छू मंतर हो जाता है। जानते हो घर परिवार भी बैंक से कम नहीं होता है। पति कैशियर और पत्नी मैनेजर होती है, दोनों के बीच एडजस्टमेंट बिगड़ा तो कंपनी ठप। अरे जो भी कहते हैं कि उनकी पत्नी खुश है झूठ बोलते हैं। पत्नियों की प्रजाति खुश रह ही नहीं सकती। अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो बताना मुझे। वासु गैस थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करो डार्लिंग। ये प्याज है या टियर गैस? क्या बात है? अब से वो स्कूल बस में नहीं जाएगी। वो बार बार ऐसे नखरे क्यों कर रही है? मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम उसे स्कूल ड्रॉप करोगे। ठीक है, बस की महीने की फीस होती है 1000 रुपए, साल के हो जाते हैं 12,000। उसे 7 साल और स्कूल जाना है तो हमें हो जाएगा 84,000 का मुनाफा। तुम फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाती? साल भर अगर हम इतना सेव किया करेंगे तो अमीर हो जाएंगे देखना। फिर मुझसे मुनाफे के कमीशन मांगने बताना। हमें अब कार ले लेनी चाहिए ताकि वो स्कूल कार से सेफली जा सके। अरे कैसी सेफ्टी, जो भी एक्सीडेंट होता है कार से ही होता है, तुम समझती नहीं हो। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस उसकी सेफ्टी चाहिए। ओके ओके, एक कार लूं या दो? ओम हनुमदे नमा, ओम हनुमदे नमा, ओम हनुमदे नमा, ओम। विशेष पूजा करवानी है? शत्रु संहार पुष्पांजलि। हाँ, उत्तम। वासुकी का दुश्मन कौन है? लो इसकी माँ। ये पड़ोस में रहने वाली काया आंटी, ये न्यूज रीडर है। मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी को ऐसा लगता है कि आंटी मेरे पापा को बहुत पसंद करती है, इसलिए ये मम्मी को पसंद नहीं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? हाँ? अभी तो यहीं पर थी। चित्रा, चित्रा, पंडित जी आप वशीकरण की भी पूजा करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं होती बेटी। चित्रा, चित्रा, सुनो, चित्रा कहाँ है? लो, अब दिन में सपने देखने लग गई। कहाँ जाएगी हमारी बेटी, तब से तो कार में है। ये रही चित्रा। बाय मां। दोबारा ऐसा मजाक नहीं। काय से मिली क्या? हाँ मिली, पूरा दिन खराब रहेगा। 30 रुपए की शत्रु संहार पूजा, इतने कम में अगर भगवान शत्रुओं को मारते तो धरती पर कोई बचता ही नहीं। तुम अक्ल ही नहीं लगाती। यही जोक अगर श्रीनिवास सुनाता तो हंस हंस के लोटपोट हो जाती। मैंने सुना तो कुछ नहीं, जोक सुनाते सुनाते लगता है मैं खुद ही एक मजाक बन गया। आपके पास पैसे नहीं है ना, और कार लोन पर ली है इसलिए मम्मी को टेंशन है। एक दिन के अंदर कार खरीदने के लिए लोन लेना ही पड़ता है, और लोग तो कपड़े खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं और फिर उसे वापस ना करने की तरकीब भी ढूंढ लेते हैं। कानूनी दाव पेच में कुछ न कुछ सलूशन निकल आता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक सवाल करती हूँ। आपको क्या लगता है कि हो गया इसका चालू हो सकता है?
बहुत हुआ, मैं ये वकील का पेशा छोड़ दूंगा। लोगों को मारता पीटता था, अच्छा था, इस पेशे में तो कुछ नहीं रखा। अच्छा सुनो, कोई सुपारी दे रहा हो तो मुझे बताना, मैं अब से वही काम शुरू करूंगा। रखो, वो आ गया। कार छोड़ के बाइक से आया है, शहर का सबसे बड़ा कंजूस है ये। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? टीवी पे तो कमाल कर दिया आपने, चुम्बन पे लेक्चर लाजवाब रहा। मैं टीवी पर तो बहुत कुछ बोलता हूँ, मेरी बातें सुनकर अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझ गए एडवोकेट बाबूराज? चलो ये चश्मा पकड़ो। कौन कौन आया था आज? काव्या माधवन और उसकी माँ। क्या, काव्या माधवन? हाँ। तो काव्या के हिसाब से माधवन सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं है, है ना? अरे इसने तो भागकर शादी की थी, ये क्या बोलेगी? मैं बताती हूँ, अरे वो एक नंबर का निकम्मा है, पीने के लिए पैसे है उसके पास, एक ही साल में रंग दिखा दिया उसने। और आपको पता है इसे विदेश तो क्या, गलती से गोवा भी नहीं ले गया कभी। शादी की पहली एनिवर्सरी थी तो 10 रुपए के गुलाब देके टरका दिया इसे। और क्या, आपको तो पता है मार्केट में नई नई डिजाइन आती है, 20 साड़ियाँ तो बनती ही है, पर उसने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं खरीदा। कैसा पति है, साड़ी वाड़ी तो छोड़ी, अभी तक इसे एक फिल्म तक नहीं दिखाई उसने। पूरा दिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में काम करती है, फिर घर आकर घर का काम भी करती है। तो आप किचन में ही सोती हैं? रात होते ही ताड़ी पीने लगता है। कौन पीता है ताड़ी, कोई क्लास ही नहीं। अरे, है क्या बात कर रही हैं, ताड़ी के सामने तो सारी दारू पी गई है। चलो अब पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, सास का कहना है कि दामाद एक नंबर का निकम्मा है। एग्जैक्टली। लेकिन माधव की तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है, तो माधव की तरफ से मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। वेडिंग एनिवर्सरी पर 10 रुपए का गुलाब देकर विश करने वाला गरीब नहीं होता है, हर महीने अपनी बीवी को 20-20 साड़ी न देने वाला निकम्मा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। सास को सीरियल देखना हो और बीवी को फिल्म, उसके लिए 2-2 टीवी न खरीद सकने वाला आदमी निकम्मा नहीं होता है, उसका मजाक उड़ाना गलत बात है। बीवी अपने हाथ से प्यार से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए, ये तो सारे पतियों की उम्मीद होती है। आपने डिवोर्स के लिए जो भी बात बताई है उसमें से मुझे एक भी वैलिड वजह नहीं लगती। लीजिए पीजिए। नो थैंक्स, मैं सिर्फ जूस पीती हूँ। काव्या, पति के मन को समझने की कोशिश करो, सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान ही अच्छा पति नहीं होता है, पति के दिल में प्यार हो बस काफी है। काव्या तुम नर्स हो ना, शराब पीना बुरी बात है मानता हूँ, नर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो बीमार की मदद करे। डाइवोर्स करने पर कागज पर तो तुम अलग हो जाओगे, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं दर्द रह जाएगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। सॉरी सर, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अरे काव्या, माँ प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। पर बेटा बात तो सुन, मेरे डिवोर्स से आपको क्या फायदा होगा? अरे सुन तो, ये पत्नी का प्यार है मैडम, सास नहीं समझेगी। ए सुन वकील, तुझे सबक जरूर मिलेगा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा और तेरी बीवी का डिवोर्स एक दिन जरूर होगा, तू देख लेना कहाँ कहाँ से आ जाते। चल हट रे। ये क्या सर, आपने इतनी मोटी ताजी मछली को छोड़ दिया, ये क्यों किया आपने? केस तो हाथ से चला गया, ऊपर से उसका गुस्सा भी मोल ले लिया, अब तो खुश है ना? अरे तू जानता नहीं है, मैंने उस औरत के 3 डिवोर्स करवाए, उससे भी उसका मन नहीं भरा, तो अब चलिए अपनी बेटी का तलाक कराने। कुछ लोगों को ना शादी से एलर्जी होती है और कुछ वकीलों को केस से। अगला कौन है? एक आईटी वाला है जिसे अपनी आईटी वाली पत्नी से डिवोर्स चाहिए, उसका नाम है रोमांस। रोमा? रोमांच। हाँ भेज दो। रोमांच, मिस्टर रोमांच। आई वॉन्ट डिवोर्स, पैसे उसकी चिंता मत करना। बहुत अच्छे। हाँ सर, आपकी काउंसलिंग करेंगे। हाँ? लेकिन आप सुना मत। हाँ? मिस्टर रोमांच, आप अपने फैसले पर टिके रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आ जाओ, कम ऑन, ये डिवोर्स तो करवा करूंगा। चित्रा, पापा कहाँ है? पापा तो नीचे है और उनके साथ वो काया आंटी भी है। एक बात बताऊं, त्रिपुंतुरा में एक बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया। उफ, जब मैंने वो फुटेज देखे ना, क्या बताऊं, छोटे शहर का गरीब आदमी होगा। ये लो, शुरू हो गई मैडम। वो गरीब हो ना हो, लेकिन पागल जरूर था। अपनी बीवी के चरित्र पर बाप को शक था तो उसने बेटे को ऐसा करने को कहा। बाप की बात सुनते ही बिना सोचे उसने माँ का गला काट दी। सर इधर गिरा और धड़ उधर। प्यार चाहे कोई भी हो, बाप बेटे का ही क्यों ना सही, अंधे प्यार में लोग सिर्फ गलतियाँ ही करते हैं। एक बार इसका भूत सवार हो जाए तो माँ का कत्ल करना भी कोई बड़ी बात नहीं। अरे
पता नहीं किसकी लॉटरी है, अभी जलाने वाला था। मैं कह रहा था ना, आजकल की बीवियां पतियों से ज्यादा आलसी हो गई हैं, प्रेस भी नहीं कर सकती। कली की बात है, प्रेस वाला नहीं आया तो मैं ऐसे ही सूट पहनकर कोर्ट चला गया और केस भी ठीक से नहीं लड़ पाया। तभी मैंने सोच लिया किसी भी तरह मैं ये काम सीख कर ही रहूंगा, ताकि फिर कभी बीवी के आलस से केस ना आ जाऊं। बहुत अच्छा। ये लो, बीवियों को गुस्सा दिलाना कितना आसान होता है ना। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन मेरे कपड़े कौन प्रेस करेगा? अरे इतना काम करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा ना पगली। आप भी ना। बहन जी आपको तो प्रेस आती है ना? सर आप घबराइए मत, मैं आपका केस अच्छे से पढ़ चुका हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे सुहागरात पर अपनी पिछली गाथा कौन गाता है? सुहागरात पर किसने पास में क्या किया है ये सब थोड़ी ना पूछा जाता है, नई शुरुआत है सर, नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। वैसे लड़कियों का क्या है, 5-5 अबॉर्शन कराकर सुहागरात पर बोलेंगी मेरी पहली रात है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए शादी से पहले अगर उसके बॉयफ्रेंड थे भी तो उससे अब आपको क्या फर्क पड़ता है, पुरानी बातें छोड़िए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका खुलेआम सबके सामने बोलना सही नहीं होता है, खास करके पतियों से, सुनकर झेल नहीं पाते। अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो? ठंडा हो जाएगा, चलो जल्दी करो। अच्छा एक बात और, फीस मांगूंगा तो पिछली बार की तरह ये मत कहना कि बटुआ भूल गया हूँ, आजकल प्याज से लेकर पेट्रोल तक सब महंगा हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शादी में लोग करोड़ों रुपए यूं ही उड़ा देते हैं, पर जब बात वकील की आती है तो सब भिखारी हो जाते हैं। पापा मुझे एक डाउट है, मम्मी का भी अफेयर चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती हैं। सोचता तो आइंस्टाइन भी था, पर तुम हो ना उनकी जिम्मेदारी, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी क्या करोगी चिंता तो होगी ना। चलो चुपचाप खाना खाओ, तुम्हारे से शिकायत कर दूंगा। अब डाउट भी नहीं पूछ सकती क्या? कुछ भी नहीं। दरवाजा बंद कर रहा था, बाहर बहुत कुत्ते हैं, पागल कुत्ते, पता नहीं चौकीदार कहाँ है, पिछले हफ्ते कुछ कुत्ते घुस गए थे और स्कूटर का सीट फाड़ दिया था। चलो चलो बैठ जाओ। पापा आज फिल्म देखने चलें क्या? बेटा ये बात तुम अपनी मम्मी से पूछो। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये मम्मी तो बोरिंग हो गई है। बेटा तुमसे एक बात कहता हूँ, कभी कभी फेल भी हो जाया करो, तभी तो मेरी बेटी कहलाओगी। पापा टीचर ने होमवर्क दिया है कि 3 साउथ इंडियन ऑथर के नाम लिखने हैं। रंजीत, रंजीत पनिकर, बेनी पी नारायण बलम। आप तो किसी काम के नहीं हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई की रेल की सुविधा ठप पड़ गई है। कोची के एक 5-स्टार होटल में एक नाइट पार्टी में पुलिस ने रेड मारी जिसमें काफी ड्रग्स मिले हैं और बहुत सी नामचीन हस्तियां उसका सेवन कर रही थीं। पुलिस ने उन सब को गिरफ्त में ले लिया है लेकिन किसी का नाम अभी सामने नहीं आया है। इस मुहिम की शुरुआत काफी गोपनीय तरीके से की गई और इसमें मास्टरमाइंड और कोई नहीं डीसीपी जीना कुमारी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया। माफिया के लोग शहर के विद्यार्थियों को ये ड्रग्स बेच रहे हैं। ड्रग्स को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना ही डीसीपी जीना कुमारी का लक्ष्य है। सर इमरजेंसी केस है, यही बुला लूं क्या? हाँ भेज दो। दिनेश जी आइए। शर्मा रहे हैं।
सर मैं हूँ तलाथिल श्रीनिवासन, KSRTC का डिपो मैनेजर। तलाथिल दिरेशन को जानते हो? वो कौन है? कोई नहीं, बैठो। क्या कहूँ सर, काफी मन्नतों के बाद मेरी बीवी माँ बन रही है। Congratulations, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर मेरे लिए खुशी की बात नहीं है सर। अच्छा? मैं यही प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया हूँ। वो बच्चा मेरा नहीं है सर। तुम्हें कैसे पता कि बच्चा तुम्हारा नहीं? सर मेरी ही कंपनी में वसंत नाम का एक ड्राइवर काम करता है। हाँ। उसकी लेट नाइट ड्राइविंग ट्रिप मेरे ही घर की तरफ हुई थी सर, मैंने चेक किया है। और तुम रात को कितने बजे पहुंचे थे? सर डेपो से घर पहुंचते पहुंचते अक्सर मुझे देर हो जाती है, मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से वो निकल गया होगा। सुगनन गवाह है। ये सुगनन कौन है? रात का वॉचमैन है सर। यहाँ भी साथ आओगे? अरे अरे सॉरी, उसी ने मुझे बताया। वो हर रोज शाम को 6 बजे काम से लौटता है। मैं भी KSRTC का मैनेजर हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए सरकारी बस स्टैंड में प्राइवेट बस को घुसने नहीं दूंगा। इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, और डिवोर्स होते ही मुझे दूसरी शादी भी करनी है। उसके बाद एक लंबी सी लड़की से जिसके लंबे काले बाल हूँ, मैं उससे शादी कर लूंगा, जो रोज घर पर मेरा दूध का ग्लास लेकर इंतजार करेगी। दूध का ग्लास लेकर? क्यों? दूध पीने से शक्ति मिलती है सर, आप इतना भी नहीं समझते। बुढ़ापे में जवानी उछल रही है। श्रीनिवास, बूढ़े हो गए हो, अपनी बीवी की जरूरतें तो पूरी कर पाते थे ना। तो वो कौन सी जवान है सर, बीवियों को एक सीमा के अंदर रहना चाहिए, मुझे उससे तलाक चाहिए। ऐसा किसी मैरिज एक्ट में नहीं लिखा है। सेक्स में हस्बैंड एक्टिव पार्टनर होता है, बीवी पैसिव पार्टनर, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अगर औरत एक्टिव पार्टनर बन जाए तो बस उसे वैश्या, चरित्रहीन, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते। ये बताओ, तुम नाइट ड्यूटी पर थे तो तुम्हें कैसे पता कि उसका चरित्र खराब है? बात यह है सर कि मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी शादी से अब बोर हो चुके हो। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है ना? बोलते क्यों नहीं हो? जो बच्चा पैदा हुआ है वो तुम्हें क्या कहकर बुलाता है? पापा कहता है। तो फिर तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? मैडम, राजू की बॉडी हमें यहीं से मिली थी। क्राइम सीन से तुम्हें कुछ एविडेंस मिले? हमें एक ब्रेसलेट मिला है। मैम, लगता है लड़के की गर्लफ्रेंड के भाई ने ये सब करवाया है। नो, किलर इज अ वुमन। श्रीनिवास, कोई औरत लॉयल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। कोई भी बीवी अपने पति का सम्मान ही होते देखना चाहती है, एटलीस्ट उसके सामने। अभी तलाक चाहिए? नहीं सर, उस बच्चे को बाप की जरूरत है। पापा, तुम स्कूल नहीं गई? इसके प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, ये घर गई वहाँ वासु की नहीं थी। उसको कॉल कर रही हूँ तो लग नहीं रहा, कहीं वो तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गई ना? सर यही है आपकी पतिव्रता। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी माँ काम से बाहर गई होगी। भाई साहब चलिए, हो गया ना, आइए। एक काम कीजिए, अपनी वाइफ का नंबर दे दीजिए। पर वो किस लिए? उनसे कुछ काम है भाई साहब। पर उसका नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? अरे कानूनी काम है। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, ये उसे कैसे पता चला? माँ का फोन भी ऑफ है। वासुकी को बाहर जाना ही था तो किसी को बता के भी तो जा सकती थी। अब उसे थोड़े पता था कि इसका प्रिंसिपल अचानक गुजर जाएगा। मम्मी का कोई तो बॉयफ्रेंड है सच में। चुप करो चित्रा, मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। तुम्हारे पापा की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन हाँ, अगर उसका सच में बॉयफ्रेंड निकला तो देखो तुम ऐसे शांति से मत बैठना, उससे बदला लेना, वासुकी से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेना। चलो उतरो। चलो उतरो बेवकूफ औरत, मेरी बीवी पर शक करती हो, उतरो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो उतरो, यहाँ से तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। टैक्सी नहीं मिलेगी तो बस से चले जाना। घर कैसे जाऊंगी? जैसे जाना जाओ। यार ये क्या बात हुई? मेरी बीवी को कैसे बुरा भला कह सकती है वो? मुझे भी वो पसंद नहीं, पर माँ उसकी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके पास बस डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से ही मुझे उससे प्यार हुआ था। आप मजाक मत करिए पापा, वैसे आपने नोटिस किया आजकल मम्मी कुछ खोई खोई सी रहती हैं, घर उतना साफ भी नहीं रखती हैं, और कपड़े धोकर मेरे कमरे में ही सुखाती हैं। मेरे कमरे में अब तो बदबू भी आने लगी है। माँ पहले ऐसी तो नहीं थी। ये तुम क्या कर रही हो? कपड़े सुखाने के लिए पूरा छत पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों सुखा रही हो? वहाँ जगह नहीं है। नहीं है? तुम अपना जाकर काम करो ना। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और किस तरह से बात करूं? छत सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
एक्रोफोबिया। क्या? बेटा तुम साइकोलॉजी नहीं जानती हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। वो हाइट का डर होता है, एक्रोफोबिया। ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है। ट्रीट कराने लगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी उसमें। हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई भय तो होता ही है। और हाँ, इस बात के बारे में अपनी मम्मी से कुछ भी मत कहना, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। ठीक है? ओके। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आज वो ट्रेडिशनल फंक्शन होने वाला है ना, वाजो बिहारी। साइलेंट पर था क्या? मुझे पता था यहीं परफॉर्मेंस होने वाला है। आज दोपहर खाना नहीं खाया, टिफिन बॉक्स खाली था। तुम्हें बताकर जाना चाहिए था, चित्रा डर गई थी। लुईस जी, घर की समृद्धि तभी बढ़ती है जब गृहिणी सफाई पसंद हो। जो गृहिणी सफाई नहीं रखती उस घर में कभी समृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा वेद पुराणों में लिखा है कि घर की लक्ष्मी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी गृहिणी इस बात का ध्यान नहीं रखती है उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, उससे तो डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ मंदोदरी रघु। मंदोदरी रघु, अपना मुंह बंद रखो, मैं वकील सिर्फ कोर्ट में हूँ, यहाँ अपनी बीवी से। हमारी चीफ गेस्ट जीना कुमारी जी आ चुकी है। हम प्रस्तुत करने वाले हैं रामचरितमानस। चलो जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। हॉल के बाहर दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि अंदर आकर बैठ। We have identified the killer. She is in our radar now. Arrest हम कल करेंगे। आज उसे जीने दीजिए। Today is only day for her. Sorry, मुझे देर हो गई। It's okay, ma'am. देखिए मिस्टर बाबूराज, वकील साहब हैं कहाँ? मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। आई वांट डिवोर्स। अरे यार, डिवोर्स तो क्या, सेकंड हनीमून का टिकट भी दिलवा दूंगा। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन केस तो हम ही जीतेंगे। लुईस सर। हाँ, आ रहा हूँ बाबूराज। सुनो, सर को बताना मत कि मैंने 50,000 रुपए लिए तुमसे। स्वामी जी, आप जाकर शो देखिए। इमोशनल होके खड़ा हो जा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे केस नहीं लेता हूँ। मालदार पार्टी है सर, काट लो। देखो, वाइफ ने चीट किया है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट को सबूत चाहिए, तो बताओ एविडेंस है तुम्हारे पास? कैसा एविडेंस चाहिए ये भी बताओ। सर, मेरी बीवी की तरह मैं भी आपको बेवकूफ लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट टेक्नीशियन। देखिए, ये मेरी वाइफ का वीडियो। कहाँ है, दिखाइए। अरे बाप रे, यही तो चाहिए था। क्या क्लैरिटी है यार, तो नंबर वन के जासूस हो। स्लो मोशन में होता तो और मजा आता। ये मेरा और डोमिनी का बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णन। डोमिनी, नाम ही कितना खतरनाक है। इन्फो पार्क में हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट है और उसकी डे शिफ्ट है। उसकी हरकतों से मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने कैमरा लगवा दिया। कौन है ये आर्टिस्ट? कला श्रेष्ठ वासुकी। लड़कियां रावण का कैरेक्टर नहीं करती थी, लेकिन वासुकी ने जब से किया है तब से कई लड़कियां आगे बढ़ी हैं। पूरी दुनिया में कोई बीवी ऐसा नहीं करती, उसने मेरे साथ ऐसा किया। पता नहीं मुझे किस गलती की सजा दी। कुछ औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, गलती उनकी होती है।
कुछ बीवियां आशीर्वाद की तरह होती हैं और कुछ श्राप जैसी। घबराओ मत, तुम्हारा केस मैंने ले लिया। चलो घर चलते हैं। हाँ आ रहा हूँ, कल ऑफिस आ जाना, पेपर साइन कर लेते हैं। थैंक यू सर। बुला रही है। सर डिपोज तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू मिस्टर रोमांच। हाँ? मैंने कहा था ना सर को चीट करने वाले लोग पसंद नहीं आते, ये फोन मुझे दीजिए, ये सबूत है ना, दिखाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मोबाइल। अब ये मोबाइल फोन नहीं रहा, ये सबूत है, क्या समझे? इस केस को मुझे रीड करना है, एक महीने का काम बन गया। मिस्टर बाबूराज, उन लोगों के पास पानी से धुलने वाला मेकअप नहीं रहता है क्या? तेज नहीं चला सकते, मेरे सर में दर्द है। सर क्यों दुख रहा है मुझे पता है, PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने के पहले सभी औरतों के साथ ये छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती है। अमेरिका में 20% डिवोर्स इसी वजह से होता है। इस चीज को हम लोग जैसे हैंडल करते हैं गोरे कभी नहीं कर सकते। मैडम हम दोनों पति पत्नी हैं, कथकली से वापस आ रहे हैं, आप हमें यूं पकड़ नहीं सकती। कांग्रेचुलेशन वासुकी, एक्सलेंट परफॉर्मेंस। थैंक्स। पुलिस की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, माय नंबर इज। मेरे पास नंबर है। ओके, कीप इन टच वासुकी, गुड नाइट। उससे ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ही फेमिनिस्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बस मर्दों की वाट लगाने पर तुली रहती है। बढ़िया ही IPS। इस हफ्ते कतरन का शिकार होने वाली हैं दो फिल्में, सची जीवन की हॉरर फिल्म द वैम्पायर और चक्रपाणी की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जागो श्रीनिवास। तो हमने ऐसी ऐसी हॉरर फिल्में देखी हैं जिसे देखकर बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, लेकिन सची जीवन की फिल्म कॉमेडी से कम नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि फिल्म में हॉरर डाल सके, लेकिन आप खुद को फिल्म के दौरान उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो मर्दों की दुश्मन होगी। किसकी बात कर रही हो तुम? वही DCP जीना कुमारी। तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? मुझे तो लगा कि वो ऐसी है, बाकी पता नहीं। देखो ऊपर वाले ने स्त्री जाति को ऐसा ही बनाया है कि वो किसी भी परिस्थिति में शांति से ही काम लेती है। अगर वो भी मर्दों जैसी हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी, और मेरे जैसे साधारण मर्दों के लिए ना स्त्री का मतलब है शांति का स्वरूप। बिल्कुल मेरी वासुकी तक। छोड़ो मुझे, जब देखो यही सोचता रहता है। अब तो मेरी बीवी हो तो मेरा तो पूरा हक बनता है ना वासु। अब इतनी रात को किसे तलाक चाहिए? हाँ है मेरी बीवी डांसर, और उसका डांस देखकर ही मैं इतना इंप्रेस हो गया था कि मैंने उसे शादी की। देखिए चर्च की डिमांड बिल्कुल अलग है, उन्हें कथकली तो नहीं चाहिए, और इसलिए मुझे चर्च नहीं चाहिए। हाँ मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, अपनी बच्चे बीवी का ख्याल रखना आता है मुझे। चलिए माँ फोन रखिए अब। हाँ आज तुम यहाँ सोने वाली हो? हाँ कल चित्रा डर के मारे सो नहीं पाई थी। कल तो मैं भी नहीं सो पा रहा था डर से। माँ को बच्चे के साथ नहीं सोना चाहिए, बच्चे के बाप के साथ सोना चाहिए। इतने दिनों से दूर दूर हो मुझसे, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। देखो मेरे बैक पेन की दवाइयां चल रही हैं। गुड नाइट। पता नहीं मुझे कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए फिर। ये बीवियों के नखरे कभी खत्म ही नहीं होते। अरे सो जाओ अब, इन लोगों को भी चैन नहीं है। दो दिलों का प्यार जो कभी कम नहीं होता, मेरा वादा है तुमसे, मैं हमेशा खुद से ज्यादा प्यार करूंगी। ये कविता मुझे बहुत पसंद है। चलिए आपको एक और कविता सुनाती हूँ। प्रेम में हार या जीत नहीं होती, सच ही कहा है ना? इस हार में जीत है और जीत में ही हार है। जो प्यार में हार गया वही तो प्यार में जीत भी जाता है। जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो लिखी है जितेंद्र किरकिरे ने। पुलिस की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, माय नंबर इज। नंबर है मेरे पास। सुप्रिया मुझे एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत है, अभी जो वकील है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके मैम, वो जो बोट में डीजे पार्टी चल रही थी जिस पर फिरोज सर ने रेड मारी थी, उसमें चार डीजे लड़कियां पकड़ी गईं, वो भी ड्रग्स के साथ। गुड।
शहर में जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं, उनमें से ज्यादातर 15 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। इस शहर में बहुत सी हाउसवाइफ भी हैं। कल भी रेड करनी है। समझ में नहीं आता किस घर से और किस हाउसवाइफ से शुरू करूं। चाहे जो भी हो, कल हमें किसी को अरेस्ट करना ही होगा। लुइस, ए, रुको ना, ए, इसको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कहाँ चला गया? अन्ना जी, ये स्त्री करने वाले रामलाल का घर कहाँ है? किसी की चमड़ी का रंग देखकर ये सोच लेना कि ये इस धर्म या जाति का होगा या कोई छोटा इंसान ही होगा, ये कहाँ तक सही है भाई साहब? मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, इंसान तो दिल से बड़ा होता है। ठीक है, माफ कर दीजिए। राइट लेकर सीधा जाइए, वहीं रहे। थैंक यू सो मच। हेलो रामलाल। हाँ बोलो ना। अरे तुम्हारी लॉटरी लगी यार। सच में? वो लॉटरी वाले मुत्तू ने बताया। कितने का? 10,000 का। सच कह रहा हूँ। चलो फोन रखो और अगली गाड़ी पकड़ के जल्दी से आ जाओ। अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, रखता हूँ। रामलाल का घर कहाँ है? वो तो गाँव गया है सर, 2 दिन के बाद आएगा। कोई और आ सकता है सोसाइटी में? नहीं सर, यूनियन वालों की प्रॉब्लम होगी। आप सभी बच्चों का एंटी नार्कोटिक स्टूडेंट केडर में सिलेक्शन हुआ है। पुलिस आप सभी को एक मिशन दे रही है, ड्रग्स फ्री केरला। आई थिंक यू गाइस कैन डू इट वेल। मैं बस ये जानना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा है आपके दोस्त या रिश्तेदार में जो ड्रग्स लेता हो? अगर कोई है तो उसके बारे में आप हमें सीक्रेटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, विल यू? श्योर मैम। रमणी, जो कोई भी हो उसे को बाद में कॉल करें। हेलो, मैं हेलो मैडम, मैं वासुकी बोल रही हूँ। इस देश में ज्यादातर औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ नहीं बोलती, किसी न किसी डर से सबसे छिपा कर रखती है। अब आपको कंप्लेन करने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। मुझे आप अपनी बहन या दोस्त समझ सकती हैं। और बताइए कि क्या परेशानी है। किसी को बिना पता चले मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। सलाह मानिए, जो दिल में कही है कंप्लेन सही समय पर सही इंसान से बिना हिचकिचाए कर देनी चाहिए। मैडम, यहाँ कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कौन है वो लोग? घबराइए मत। स्पीक अप, यू आर नॉट अलोन वासुकी। कम ऑन वासुकी, टेल मी। वो दो लोग हैं मैडम। अरे ले लो बहन, ताजी ताजी और जिंदा मछली है। आज भी खाना और कल भी खाना, खाकर एकदम मन खुश हो जाएगा। ये सूरा भी ना कमाल का है। और अरे जल्दी जाओ नहीं तो मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे घर वाला ही भाव है। वो क्या है ना दीदी, कि सूरा की मछलियाँ ज्यादा भाव नहीं खाती। ज्यादा मत बोलो। हाँ, अरे दीदी मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपके लिए मजेदार मछली। आ जा, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। बहुत चालाक है, शिकारी देखते ही पतली गली पकड़ लेती है। लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूँ, शिकार को ऐसे नहीं छोड़ता। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सूरा का जाल है, पूरा फैला के डालता हूँ। इसे देखकर तो मुझे पानी टपकता है। बाकी लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? सूरा और शिबू जो भी बोलते हैं वो बाकी लोगों के लिए मजाक होता है मैडम, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। शिबू कौन है वो? शिबू के लाल सेब रसीले और कड़क। अरे दीदी क्या देख रही हैं? ले जाइए ना, देखा कितना कड़क और मीठा सेब है। लीजिए ना वासुकी मैडम, ये मैडम तो हमेशा लेकर जाती हैं। ऐसे लाल लाल और रसीले मीठे सेब आपको कहीं नहीं मिलेंगे मैडम। मैडम ले नहीं रही है तो कम से कम टेस्ट कर लीजिए। कई सालों से ये लोग इसी तरह डबल मीनिंग में औरतों से बात करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किससे क्या कहें? अगर घर पर हस्बैंड को कहा तो खून खराबा हो सकता है। इस चक्कर में हम औरतों को ये सब सुनना पड़ता है।
जिस पर बीत रही है उसे छोड़कर बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने आज तक कभी रिएक्ट क्यों नहीं किया? इस शहर में हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है मैडम। हम औरतों को अपने आँख और कान खुले रखने पड़ते हैं, तभी इन गिरे हुए लोगों से खुद को बचा सकते हैं। हम पूरी जिंदगी घर संभालते हैं और हमारी सुरक्षा का क्या मैडम? हम हाउसवाइफ्स की तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं है मैडम। I will take care of it. Don't worry, Vasuki. चाहे बात से या नजरों से कोई भी औरत की इंसल्ट नहीं कर सकता बदतमीज। मैं इनका स्ट्रीट वेंडिंग ही बंद करवा दूंगी। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर शांत रहिए। रमणी, yes, ऐसे बाबू से कहो कि जीप निकाले, हमें तुरंत निकलना है। लो आ गए अपने वकील साहब। यही कुछ कर सकते हैं? हाँ, यही कुछ करेंगे। क्या बात है? अरे यार, अरे सर, शिबू को पुलिस ने मारा और पकड़ के ले गई। पर क्यों? ये सेफ देखिए आप, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन पर वैक्स की कोटिंग है, पता है? कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए? सर आप फोन किसे कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को फोन कर रहा हूँ, वो उसे छोड़वा देंगे। आपके पास कोई काम नहीं है क्या? पुलिस पकड़ेगी, जेल में रखेगी, मुफ्त का खाना देगी और फिर छोड़ देगी। बिल्कुल सही कहा, ऐसे खराब माल बेचेगा तो उसकी पिटाई होनी ही चाहिए। तो वो वापस नहीं आएगा क्या? आएगा ना, दो चार दिन पुलिस वालों का मनोरंजन होगा फिर छोड़ देंगे। ये पुलिस वाले भी ना हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। हो सकता है उसने सच में कुछ गलत किया हो। हाँ वो तो है। पूर्णिमा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश सुना तुमने? वो केस जिसमें पत्नी ने पति को स्लो पॉइजन देकर मार डाला। पता है कौन सा पॉइजन यूज किया था पति को मारने के लिए? सब्जियां उगाने के लिए जो पॉइजन यूज होता है वो यूज किया था। और सब्जियां हर दिन हर रोज खानी ही होती हैं। उसे खाकर तो कोई भी मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मर्डर हुआ है। तुम मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि सूरा की मछली में तुम बढ़िया सा मसाला डालकर जब फ्राई करके खिलाओगी ना तो मैं पेट भर के ढेर सारा खाऊंगा। इतना कि मेरे खाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, देख लेना। आज मछली वाला नहीं आया था। वो तो सुनामी वाले दिन भी मछली बेचने आया था, फिर आज क्या हो गया उसको? अच्छा, फ्रिज में फ्रूट्स तो होंगे ना खाने के लिए? आज शिवू को पुलिस उठा कर ले गई। हाँ सुना मैंने, फल वाले को पुलिस ले गई और मछली वाला गायब। इस शहर में हो क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो भी वैक्स लगा के सेब बेचेगा तो कर भी क्या सकते हैं? सब जनता की हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। लगता है आज नहीं आने वाला। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो। सेक्रेटरी, देखिए ना, आज मछली वाला आया ही नहीं। हाँ, कल कुछ लोग समुद्र में फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं उन्हीं की गोली से हमारा मछली वाला ना निकल लिया। आप लोगों को देख के लगता है आप सब उसकी मछलियों की दीवानी हो गई हैं। इन्हें तो मजाक करने की आदत है। हेलो मैडम। आई एम ऑलवेज विद विमेन। तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। वो शिबू इस वक्त हॉस्पिटल में है, सो यू जस्ट रिलैक्स। थैंक यू सो मच। तुम्हारे हस्बैंड वो बहुत शांत टाइप के आदमी है क्या? नहीं, जो हुआ अगर उन्हें पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। तो फिर जो कुछ भी हुआ है उसे अपने तक ही रखो। वो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुमने अब तक अपनी असली प्रॉब्लम उससे शेयर नहीं की है। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे तभी फोन करना जब सारी बात बतानी हो। सॉरी मैडम, मैं मुझे खुलकर बताओ कि क्या बात है। मुझे अपनी दोस्त समझो और भरोसा करके बताओ। बताओ वासुकी, क्या बात है? बताओ वासुकी। मैं एक वकील की पत्नी हूँ। मेरे साथ जो हुआ है वो आईपीसी 376 के अंदर आता है। क्या कहा तुमने? मेरे साथ वासुकी, मेरे साथ बलात्कार हुआ है।
ये है मैडम कि आज से 14 दिन पहले तक मैं इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा खुश रहा करती थी। खुश रहने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारे मर्द होने की निशानी खत्म कर दी। उसकी आंख बंद करो, बंद करो। मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ खोलो। मुझे देखना है, मुझे जाने दो। सीन खत्म होने दो। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। ऐसा करके औरतें जिंदा रह पाएंगी क्या? कुछ भी दिखाते हैं। देखना है कहाँ ना मैंने। वैसे अय्याशी किए बिना मर्द भी तो नहीं जी पाते। कतरन के अगले एपिसोड में तुझे ही दिखाऊंगा। कोट्टायम के क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और कनाडा या अमेरिका जाने का सपना रखने वाली बैंगलोर की एक नर्स टेसा के अब्राहम एक 22 साल की लड़की के प्यार प्यार में धोखा और फिर बदले के इर्द गिर्द घूमती है आशिक अबू की फिल्म 22 फीमेल कोट्टायम। ये एक फेमिनिज्म पर बेस्ड अलग किस्म की कहानी है। आज के युवक युवती किस तरह प्यार में बढ़ के गलत कदम उठाते हैं और फिर बदले की भावना में एक युवती क्या नहीं कर सकती है, ये आपको फिल्म में साफ साफ दिखाई देगा। इस फिल्म को काफी सराहना मिली है तो देखना ना भूलें। तुम बहुत बदमाश हो, थिएटर में तो ऐसी बातें नहीं बोली तुमने। ये सब बोलता तो मजा नहीं खराब हो जाता। इसके अंदर पानी किसने भरा? अरे ऊपर वाले नारियल में पानी भरने की जगह डैम में पानी भर देते तो ये बिजली की दिक्कत खत्म हो जाती। फिर से गांजे की महक आ रही है, ये कौन गांजा पीता है यहाँ? कहीं चित्रा तो नहीं? नए जमाने की बच्ची है, पता नहीं क्या करने लग जाए। मजाक मत करो, चलो चलकर देखते हैं। अरे चलो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांजे की महक यहीं से आ रही है। आजकल के बच्चे क्या गांजा पियेंगे? आजकल जो मैरिजुआना की खेती होती है वो सीधा यूरोप भेज दी जाती है। यहाँ जो भी मिलता है सब कचरा है, किसी काम का नहीं। गांजा वांजा नहीं है, कोई बीड़ी पी रहा होगा। थोड़ा ठीक से चेक करो ना, महक यहीं से आ रही है। अरे यहाँ कोई भी नहीं है। सच बताओ हा? कहीं तुमने तो गांजा नहीं पिया? क्या कहा? अगर तुमने नहीं पिया है तो तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर उसकी महक होती कैसी है? मेरा भाई गांजा पी पी कर पागल हो गया, इसीलिए मुझे पता है कि महक कैसी होती है। ओ, गांजा उस्ताद विनोद को तो मैं भूल ही गया था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वैसे वो अभी कहाँ है, हरिद्वार में या फिर काशी में? जो लेक्चर देना है बाद में देना, अभी पता लगाओ कि कौन था। कहीं वो हमारी पड़ोसन का बेटा तो नहीं? कौन, आर्यन? अरे बेचारा मासूम बच्चा है, टीचर का बेटा है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। चलो मुझे कल माँ से मिलने भी जाना है। तुम्हें मेरी बात का भरोसा कभी नहीं होगा। कितनी बार कहा है कि बुदबुदा कर मत बोला करो, जो कुछ कहना है मुंह खोल कर साफ साफ कहो, समझ गई? वासुकी की खुशबू थी ना यार। वो खुशबू नहीं है बे, कस्तूरी है। ये लो बेटा, माँ जी को तो सिर्फ बेटे और पोती से ही मिलना है, बहू से मिलने की कभी इच्छा थोड़ी होगी। कल जो बहू थी आज सास बन गई, आज जो बहू है वो कल सास बन जाएगी। ये सास बहू की खटपट तो ऊपर वाला भी नहीं सुलझा पाया। किसने कहा है सुलझाने को? मैंने केक डिब्बे में पैक कर दिया है, अगर वो ना खाए तो कहीं रास्ते में फेंक देना। तुम फिक्र मत करो, ये रास्ते में ही खत्म कर देगी। चलता हूँ। बाय बाय। मैडम कपड़े हैं तो दे दीजिए, इस्त्री कर दूंगा। ठीक है। दीदी मैं और आर्यन गोवा जा रहे हैं फिल्म फेस्टिवल के लिए, शाम की ट्रेन है, गोवा की फेनी बहुत फेमस है, आते वक्त आप कहें तो ले आऊं, वकील भाई साहब को पिलाना। नहीं चाहिए मुझे, जाकर अपनी बहन को दे देना, बड़ा आया फेनी वाला। सुदीप काया का भाई है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उस दिन मैं वो बन गई जो मैं नहीं थी।
ये क्या मजाक है? चलो उतारो उसे, बताती हूँ तुम्हारी माँ को। माँ तो दर्शन करने मंदिर गई है, अब कल ही वापस आएगी। मैं क्यों नहीं गया पता है? दर्शन के लिए मंदिर क्या जाना, जब देवी मेरे सामने, मेरे लिए इतना काफी। अच्छा एक बात बताओ, वसुकी का क्या मतलब है? सांप ना, सांप की देवी, इसीलिए तो बला की खूबसूरत हो तुम। A real serpent queen, femme fatale. कौन सा परफ्यूम यूज करती हो तुम? पेट्रा है क्या? क्लियोपेट्रा? मेरा रास्ता छोड़ो। गुस्सा हो गई क्या? हटो सामने से। अरे आने दो तुम्हारी माँ को, सब बता दूंगी तुम्हारी हरकतें। वो बुढ़िया मेरी माँ नहीं है, वो मेरे बाप की दूसरी बेटी है। देखिए माँ की धमकी हमें मत दीजिए। दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलो उसे। हम लोग एक महीने के लिए गोवा जा रहे हैं, वहाँ तुम्हें एक महीने याद रखने के लिए कुछ यादगार तो करना चाहिए ना। आर्यन पैर पकड़ इसके, उठा। आपकी नानी। रामलाल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। किधर भाग रही हो? ये शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिलेगा, तो अभी हमारे हवाले करने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो कुछ भी होगा ना उसे बुरा सपना समझकर भूल जाना है। चलो मान जाओ ना। अरे भागती कहाँ है, कहाँ जा रही है? जा, नाटक कर दिया। Oh,
डरो मत, ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। तुमसे पहले 5 बार कर चुके और तुम 6 नंबर हो। ये देख रही है, ज्यादा मच करेगी ना तो इस पेन कैमरा से शूट करके इंटरनेट पे स्टार बना दूंगा। तो ज्यादा हिल मत, समझी? बहुत मचल रही है, तुझे तो मैं चुप बैठ। तुम्हारा फ्लैट इस पुश्तैनी घर से बड़ा थोड़ी होगा। वो फ्लैट तो जैसे एक जेल की तरह होता है, अगर कुछ हो गया तो भागने को जगह नहीं मिलती, बस जाने के लिए एक ही दरवाजा होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। आपका केक कैसा लगा दादी? मीठा अच्छा है, ना ज्यादा ना कम। कोचीन की फेमस बेकरी का है ना, खाते ही लग गया था मुझे। अब कह दिया है तो बात वापस मत लेना। आप जो खा रही हैं वो आपकी बहू ने बनाया। तू ये किसके हाथ का खिला दिया मुझे? अरे माँ, केक तो माँ ने अनजाने में खा भी लिया, पर हिंदू से शादी बिल्कुल नहीं मानेगी। अरे लड़की से ही शादी की है ना, इतना हवा बनाने की क्या जरूरत है। पता है भैया, कल तो माँ चर्च में कैंडल जलाए प्रार्थना कर रही थी कि आप लोगों की शादी जल्दी टूट जाए। कितनी भी प्रार्थना कर लें, हम दोनों की शादी कभी नहीं टूटने वाली है। उम्र के साथ ज्ञान आ जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या फायदा, इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ज्ञान है। दुख होता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। जब मुझे होश आया तब मैं सिर्फ शरीर से जिंदा थी। मेरे शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा का भी बलात्कार किया था। मुझे खुद के शरीर से नफरत होने लगी थी। चाहे कितना भी ना हो, खुद को गंदा महसूस करती थी। सामने आकर न्याय मांगू मैं तो ये भी नहीं हिम्मत कर पा रही थी। सोचा लुईस और बेटी के वापस आने से पहले ही जान दे दूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाई।
फिर मुझे बाद में लगा अगर मैं मर गई तो वो राक्षस खुलेआम घूमते रहेंगे, किसी और को शिकार बनाएंगे। जिसके साथ गलत होता है समाज उसी को गलत क्यों समझता है? मेरे साथ लुईस और मेरी बेटी को झेलना पड़ता जिनकी कोई गलती नहीं। और तभी मैंने खुद को समझा लिया मैं सुसाइड नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद मुझे बस एक ही रास्ता सूझा, रामलाल, आर्यन और सुदीप, इन तीनों को मरना पड़ेगा। जब तक लुईस और मेरी बेटी वापस आते तब तक तो मैं एक नई वासुकी बन चुकी थी। हाँ सुदीप, रूम मिल गया तुम्हें? ओके ओके। अरे यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। हाँ वासुकी बाथरूम में गिर गई थी। नो नो बट शी इज फाइन। नहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ। ओके कॉल करती हूँ, बाय, टेक केयर। ये लड़का भी बहुत मजाकी है। उस दिन कह रहा था जो वकील डिवोर्स का केस लेता है ना उसका खुद भी एक दिन डिवोर्स ही होता है। क्या हुआ? हेलो वासुकी क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूं, घर तोड़ने वाली औरत आस्तीन के सांप से कम नहीं होती, मौका मिलते ही डस लेती है। क्या 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 क्या? मुझे ये सब कहावत वहावत समझ में नहीं आती। अच्छा लुईस घर से क्या लाने वाला है? कुछ मिठाई लाएगा ना, नारियल की मिठाई हो तो प्लीज मुझे भी देना। वासु सरप्राइज, देखो कौन आया मिलने। ये क्या हुआ तुम्हें? नहीं वो कल बाथरूम में। अरे फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस थोड़ा ही सा लगा है। तुम संभाल कर नहीं ना सकती, ऐसे कैसे गिर गई? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। चुप रहो तुम, एक तो बिचारी को चोट लगी ऊपर से डांट रहे हो उसे। मैं कभी तुम लोग से मिलने नहीं आई तो सोचा एक बार मिलाती हूँ। अरे वाह बड़ा अच्छा घर है और अच्छे से सजा के भी रखा है। आओ बेटा तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, आओ। तो लुईस एक हफ्ते तक तो तुम्हारी छुट्टी हो गई। हाँ देखो बेटा तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, दर्द हो रहा होगा ना? देखो ना लुईस कहता है तुम क्रिश्चियन नहीं हो, मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे माथे से सिंदूर हटा दिया जाए तो तुम बिल्कुल क्रिश्चियन लगोगी। हाँ फिर इसका नाम भी बदल देंगे, है? कैटरीना कैफ। नाम तो अच्छा है लेकिन इस पर सूट नहीं करता, नाम में क्या रखा है, मेरे लिए तो ये मेरी प्यारी बहू है। तो फिर इसे वो खानदानी जेवर का डब्बा दे दो। 8 साल बर्बाद हो गए, तुमसे मिलने के लिए पहले ही आना चाहिए था मुझे। अरे सुन इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इसे पुश्तैनी घर पर जरूर लेकर आना, समझा कि नहीं बुद्धू? अरे ऐसे डांट क्यों रही हो? माँ एक मिनट यहाँ आइए ना। वैसे माँ तुम्हें ये बदलाव आया कैसे, कोई जादू की पुड़िया खिला दी क्या इसने? अरे बेटा मैं भी तो कभी बहू थी ना, औरत का दर्द औरत ही समझती है। देख तो बेकारी 8 साल ना मिलके बर्बाद कर दिए। तो फिर जाने की जल्दी क्या है बेटा, ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, मैं फिर आ जाऊंगी, आज जाने दे मुझे। चाय पी लीजिए। जिस दिन माँ जी मुझसे मिलने के लिए आएंगी, मैंने लुईस से कहा था उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, अब मैं लुईस की पत्नी बनकर कभी नहीं जी पाऊंगी। जो पत्नी अपनी पवित्रता खो चुकी हो उसे कोई पति कैसे अपनाएगा? मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करेगी, अब मेरे पास डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सब हुआ था मेरे साथ। Terrible. I can't even imagine it. वासुकी, उन्हें पकड़ने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं कंप्लेन फाइल करने जा रही हूँ। नहीं मैडम, मैं कानून के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं उन तीनों को अपने हाथों से खत्म करूंगी। मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसी मकसद के लिए। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, कोर्ट उन्हें सजा देगी। रिपोर्टर और जर्नलिस्ट के सामने मैं अपना सर झुकाकर खड़ी नहीं होना चाहती। But Vasuki, you don't have to go for... मैडम, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने वो पेन कैमरा वहीं छोड़ दिया। आर्यन और सुदीप काम से गोवा गए हुए हैं पूरे 1 महीने के लिए। एक और आदमी था ना वो रामलाल, प्रेस करने वाला, कहाँ है वो? वो तो उसी दिन अपने गांव भाग गया था।
आर्यन और सुदीप को गए हुए एक महीना पूरा हो गया है। अब वो किसी भी वक्त वापस आते होंगे, लेकिन पता नहीं कब। मेरा बदला लेने का ये सबसे सही वक्त है। मैडम, आपको मेरा साथ देना होगा, पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, मेरी बहन बनकर। वासुकी गुनेगारों को सजा देने का काम कोर्ट का होता है, आम जनता का नहीं। गुनाह मेरे साथ हुआ है तो सजा मैं ही दूंगी। वासुकी, देखो मेरी बात सुनो। एक औरत होने के नाते मैं बस आपसे इतना ही मांगती हूं कि मेरे साथ वो लोग भी आवाज उठाएं जिनके साथ ये गलत हुआ है। मुझे बदला लेने की शक्ति दो ताकि कोई और औरत उनकी हैवानियत का शिकार ना बन पाए। पार्वती, आप कह रही थी कि आप अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं देखना चाहती। एक दो साल नहीं हुए, आपकी शादी को पूरे 25 साल हो चुके हैं। आपको तो पहले भी प्रोफेसर साहब का चेहरा याद नहीं था। पहले वो तो याद कीजिए, आपको उनका फोन नंबर तो याद ही है, कार नंबर भी याद है, बैंक बैलेंस याद है, इनकम याद है, लेकिन उनके शरीर पर कोई तिल है या नहीं वो याद नहीं। आप सोच में पड़ जाती। पति पत्नी के रिश्ते में ये शक तो कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन उसके लिए इस तरह से कोई रिश्ता थोड़े ना तोड़ देता है। विश्वास करना जरूरी होता है, तभी पति पत्नी का रिश्ता चल पाता है। मेरी बातें आपको फिलॉसफी लग रही होंगी। कल मैं डाइवोर्स का नोटिस पोस्ट कर दूंगा, बाकी कोर्ट के ऊपर। इस धरती पर चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे अपना बदला खुद लेना पड़ता है। वासुकी, चाहे तुम्हारा फैसला कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लुईस और चित्रा को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, आपको वादा करना होगा। वासुकी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम उन लोगों के साथ क्या करने वाली हो? तीनों को मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? रात भर अगर ऐसे ही बैठी रहोगी ना तो पीठ दर्द ठीक नहीं होगा। नहीं, वो मैं अगले शो का थोड़ा रेफरेंस देख रही थी। करो करो, रिसर्च करो। शो से इतना लगाव है लेकिन पति की कोई चिंता है ही नहीं, ये सही है तुम्हारा। चलो अच्छा है, तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ओके ओके, गुड नाइट। लगता है मुझे आदत डाल लेनी चाहिए कि मुझे जिंदगी भर अकेले ही सोना है। मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके वासुकी। हाँ। हाँ सुप्रिया, बोलो। आप सोई नहीं अब तक? अरे कैसे सो जाऊं, काम से फुर्सत मिलेगी तब तो सोऊंगी। हाँ। उस औरत की कहानी सुन रही थी, लगता है केस को बिना रजिस्टर किए ही खुद ही सब कुछ सॉल्व करके रख दूं। सही कह रही हैं। कभी कभी ऐसी कुछ कहानियां सुनकर लगता है कि औरतों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है।
औरतों के साथ ऐसी बेरहमी से पेश आने वाले मर्दों के लिए जेल ही काफी नहीं है। एक्सट्रीम जस्टिस इज एक्सट्रीम इनजस्टिस, ये बात मत भूलिएगा। चलो रहने दो। अच्छा ये बताओ उस एडवोकेट का क्या हुआ? हाँ मुझे एक आदमी मिला है, जेन्युइन पर्सन, मैं आपको नंबर भेज देती हूँ। ओके ओके थैंक यू सो मच, चलो मैं रखती हूँ। ओके छः सात आठ नौ दस। अगर आज 10,000 जीते तो कल करोड़ों जीतोगे। वो जगह तुम्हारे लिए लकी है, उसे छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ थैंक यू, गिन लेता हूँ पूरे हैं यहाँ। एक दो तीन चार। ऊपर वाले का शुक्र है रे बाबा। वासुकी इतनी खुश कैसे हो सकती है? पोजीशन ठीक है ना? थोड़ा इधर लो। हाँ बस थोड़ा सा। हाँ रॉबी तैयार हो? रेडी। चलो सब रेडी है। ओके नमस्कार, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उनसे जिनको सरकार बेस्ट टीचर का अवार्ड देने वाली है। वो है दयानंदन मास्टर। इस अवसर पर मास्टर साहब विद्यार्थियों से क्या कहना चाहते हैं, आइए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सिर्फ अध्यापक नहीं हूँ, एक पिता भी हूँ। मैं अपने बेटे से जो हमेशा कहता हूँ मैं आज भी वही कहूँगा, 10% ज्ञान और 90% अहंकार ये जीवन नहीं है। ज्ञान की कमी से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, ज्ञान से ही मनुष्य के अंदर संस्कार आते हैं। बाकी स्टेट में काम करने वाले वर्कर केरला में वोट कर सकते हैं या नहीं? अच्छा विषय, कुछ पंचायत में बंगाली को रूल करने दो और केरला का मुख्यमंत्री बिहारी बन गया तो अच्छा है, एक चेंज मिल जाएगा। अरे रामलाल कहाँ थे यार तुम? क्या बताऊं साहब, मेरे को अस्थमा है ना, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उसने इतनी सारी दवाइयां दे दी खाने के लिए। लुईस जी क्या कर रहे हो? अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, अपना रामलाल जो वापस आ गया है। क्या चाहिए तुम्हें बोलो? तुम्हारे इलाज के लिए जो भी बोलो, जितना भी खर्चा हो हम लोग है ना। अरे भाई पहले तुम्हारा स्वास्थ्य आता है उसके बाद पैसे। चलो जाओ अपने काम पर। अरे कम से कम मुझे कांग्रेचुलेट तो कर दो। कौन सा मार्स पर गए थे, मजाक कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस, एसोसिएशन की तरफ से रिसेप्शन है, आइएगा जरूर। ओके अभी की खास खबर क्या है पता है? दूसरे स्टेट के लोगों को केरला में वोट करने की आजादी, क्या न्यूज़ है। हाँ वाकई। हेलो वो वापस आ गया है। उस सेक्स मैनिक का नाम तो बताओ मुझे। रामलाल, उसे देखकर मेरा खून खौलता है। यही है उनका मुखिया। बोलो भाई। अरे मैं आ गया हूँ। अरे नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। वासुकी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वापस आ जाओ। पुलिस वाली से पकड़े जाने का सपना पूरा हुई। अबे भागना पागल।
जल्दी कर, चल चल निकलना। अरे चल चल। अच्छा तो रोमांच को क्यों साथ ले जा रहे हो? रोमांच रोमांच को लेकर बहुत टेंशन में है, थोड़ा इसका दिल बहल जाएगा। अच्छा। ताज में इनके लिए रूम बुक किया है। समझ गया तुम्हारा प्लान क्या है। ठीक है तो जाओ, लेकिन मंडे को ऑफिस आ जाना। हाँ। मिलता हूँ रोमांच। ओके जी। चलो ना यार। तो क्या चल रहा है आजकल? ब्रेकिंग न्यूज, स्टार टीवी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और आर्यन के पापा को मिला बेस्ट टीचर अवार्ड। दैट्स गुड। और वो स्त्री वाला मर गया। कौन? वो रामलाल? कल ही मरा है। ए आर्यन, रामलाल ऐसे अचानक कैसे मर गया? मुझे इस बात पे शक हो रहा है। क्या शक यार, लॉटरी में इतना पैसा जीत गया, फूक फूक के मर गया और क्या। नहीं, कुछ और बात है। अबे उसे पहले से दमे की बीमारी थी बे। तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? टेंशन तो होता है यार। क्या कहती हैं बहन जी, इस तरह रामलाल का गुजरना, ऐसा क्या हुआ होगा? उसकी उम्र क्या थी? इतना ज्यादा गांजा पिएगा तो अकाल मौत तो होगी ना। ये लोग भी ना, इन लोगों से अगर पूछो कि इतना क्यों पीते हो तो गरीबी को दोष देते हैं। इनका ये बीपीएल कार्ड ना इनके हर गलत काम का लाइसेंस बन जाता है। अंतरात्मा धधक रही है। हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है, लेकिन मन की आग है कि बुझती नहीं। जिस इंसान के अंदर 10% ज्ञान और 90% अहंकार हो, उसका बर्बाद होना तय है। ये आज के न्यूज में आने वाला है। कैसा है? अच्छा है ना? ओके, मिलता हूं। मम्मी, ये रामलाल अचानक कैसे मर गया? हाँ, मुझे क्या पता। तुमसे कुछ कहना है। Are you free now? मैं अकेली हूँ मैडम। वासुके मेरी बात ध्यान से सुनो। Is there pepper? हाँ है ना मैडम। Take 50 grams of it. Crush it. उसका पाउडर बना लो।
Take his inhaler. Fill it with paper. होगा अस्थमा के पेशेंट के लिए घातक है। उसके बाद 2 मिनट के अंदर उसके अंदरूनी नसें फट जाएंगी। खाने को दो ना। जाओ पहले जाकर नहा लो। चित्रा दरवाजा खोलो बेटा, जानती हो ना मैं इसी बाथरूम में नहाता हूँ। बस 1 मिनट पापा। अरे जल्दी करो बेटा, वासु बोलो ना इसे बाहर आने को, इस घर में दूसरे बाथरूम भी हैं। चित्रा जल्दी बाहर आओ। तुम अंदर सो रही थी क्या? नहीं मैं नहा रही थी। इतनी देर कौन नहाता है? क्या प्रॉब्लम है? तुमने जो किया है अच्छे के लिए ही किया है, उसके लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है वासुकी। उन सभी औरतों के साथ जिनके साथ उन लोगों ने ये दुष्कर्म किया, उनके लिए ये युद्ध है, इस बात को मत भूलना। टैको सुबो के बारे में तुमने सुना है? टैको सुबो, अगले शिकार के लिए हम यही हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, अ लीथल साइकोलॉजिकल अटैक। वासुकी, शब्द हथियार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब से तुम वासुकी बनकर नहीं बल्कि चीना बनकर उन लोगों से बात करोगी। उनसे बात करके साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करना, और इस तरह वो दोनों इम्बैलेंस हो जाएंगे। उन दोनों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग खुद ही अपनी जान दे देंगे, क्लीन सुसाइड। कुछ देर में तुम्हें कुरियर मिलेगा, द रियल वेपन। उसके अंदर मेरे नाम का एक सिम होगा। अब तुम उसे उसी नंबर से जीना बनकर कॉल करना। पहले होगा काया का भाई सुदीप। मैंने उसे हमेशा अपना छोटा भाई समझा। मुझे शैडो पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली है, काया मोहन के फ्लैट पर स्मोकिंग पार्टी हुआ करती है। क्या ये सच है वासुकी? हाँ रॉबी रेडी हो ना? हाँ मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ वही तो, ये शारिका के पंगे हैं, मैडम कह रही है इसीलिए मैं कर रही हूँ। ओके
हेलो हेलो हु इज दिस हेलो क्रैप हेलो हमें पता चला है कि इस शहर के खतरनाक लड़कों में से एक तुम भी हो हेलो रिपोर्टर काया मोहन का भाई सुदीप मोहन 2B लोटस अपार्टमेंट कौन हो तुम मैं हूं DCP जीना कुमारी IPS रेड और अरेस्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी हैं आर्यन और तुम कुछ दिनों से हमारी हिट लिस्ट में हो विद इन मिनट्स यू विल बी इन अ कस्टडी तुम्हारे और आर्यन के खिलाफ हमें काफी सारे एविडेंस मिल चुके हैं रामलाल के पास से हमें एक पेन कैमरा मिला है उसमें वीडियोस हैं उसमें तुम्हारे सारे क्राइम की डिटेल्स हैं अपनी बहन के नहाने का वीडियो भी बनाया था ना नहीं मैंने नहीं बनाया पता नहीं किसने बनाया तो तुम्हारे फ्रेंड आर्यन ने किया होगा और कौन कौन शामिल है सबका नाम बताओ और अब भागने की कोशिश मत करना पुलिस तुम्हारे अपार्टमेंट में पहुंच चुकी है आर्या आर्या क्या हुआ आंटी आर्यन वो तो सुबह सुबह ही माता के दर्शन के लिए चला गया तुम्हारी बात नहीं हुई क्या नहीं Stop it! Hey, what's wrong with you, man? Why did you stop it? Get out! What happened, dude? कहाँ ना जाऊँ यहाँ से? Come on, Riya, let's go. Okay. Aryan, pick up. Shit. Hello. हेलो स्टिंग ऑपरेशन से कई लोगों का चेहरा सामने आएगा और काया मोहन का बाथरूम क्लिप वायरल हो जाएगा और उस वीडियो को सबसे पहले देखने का हक सिर्फ तुम्हारा है टीवी पर एक न्यूज रिपोर्टर एक ही न्यूज बार बार चला रही है सुबह से टीवी पर बस वही न्यूज चल रही है तुम्हें पता है वो कौन है हेलो व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है उसे देखो अपने भाई से बचकर रहना क्योंकि वो वीडियो उसी ने लिया हेलो दीदी आज के बाद मुझे दीदी मत बुलाना आज से तुम तो मेरे भाई नहीं हो अभी के अभी मेरा फ्लैट खाली करो फौरन के लिए हम उसे अटैक नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके चैनल वाले मैडम मैं रिपोर्टर शारिका को बहुत अच्छे से जानता हूँ प्लीज वो टेलीकास्ट रोक दीजिए आज सुबह से लेकर शाम तक उसी की न्यूज चलेगी अगर लाइफ में एडवेंचर ही चाहिए तो लोगों को किसी एडवेंचर ट्रिप पर चले जाना चाहिए किसी की ऐसी क्लिप देखने में क्या एडवेंचर है
लेकिन समाज की सोच ही ऐसी हो गई कि नहीं सब चीजों में मजा आता है। बिजी हो अब तो, खुश हो ना, शारिका हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। हाथ काट कर उसने मरने की कोशिश की, अब भी उसके चैनल वाले शांत नहीं बैठेंगे। लीव मी अलोन, आई नीड सम स्पेस। पीछा छुड़ाना हो तो अंग्रेजी बोल दो। देखो काया तो वहां बड़ी खुश है, तुम भी यहां खुश हो, पूरी दुनिया की सारी लड़कियां बहुत खुश हैं। अगर कोई दुखी है तो वो है सिर्फ मर्द। एनी हेल्प? थैंक यू। हेलो सुदीप। दीदी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? दीदी दीदी बोलकर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था सब समझ रही हूं मैं। अब क्यों फोन कर रहा है मुझे? हां मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। दीदी माना कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आप तो मेरी बहन हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपनी बकवास दीदी प्लीज मेरी बात तो सुनो, ये आर्यन की करतूत होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बात पर विश्वास करो। दीदी मैं सच कह रहा हूँ। Get lost from my life forever. अब तुम्हारे सामने सिर्फ मौत का रास्ता है, कितनी भी कोशिश करो हार नहीं सकते। मिस काया मोहन, मैं वो क्लिप डिलीट कर रही हूँ ताकि वो वायरल ना हो जाए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रही हूँ। सुसाइड करने वाले सुदीप मोहन के दोस्त हैं ना आप? नहीं तो सोच कर जवाब दीजिए, आप पुलिस से बात कर रहे हैं। सुदीप के सुसाइड की वजह आप हैं, आपके खिलाफ हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं। आपके नंबर पर उसने लास्ट कॉल किया था। सुदीप के फोन से हमें बाथरूम क्लिप भी मिला है और वो आपने शूट किया था, ऐसा सुदीप की बहन का कहना है। रेपिस्ट की पहचान हो चुकी है, इसलिए पुलिस आपकी तलाश कर रही है। यू आर अंडर सर्वेलेंस। सुनो, तुम सुदीप के दोस्त हो ना, एसीपी तुमसे मिलना चाहती हैं। ये क्या सर, ये वैसे ही इतना दुखी है। मैं इस लड़के को जानता हूँ, कल सुबह स्टेटमेंट के लिए मैं इसे पुलिस स्टेशन ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है। सुनो आर्यन, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है, समझे? अगर तुमने पुलिस से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो तुम्हें ही अंदर बंद कर देगी। सुनो बेटा, आर्यन इसने आत्महत्या क्यों की बेटा? तुम्हें कुछ भी पता है तो बताओ। देख रहे हैं लुईस भाई, पता ही नहीं चलता इनके अंदर क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब घर चलते हैं। क्या हुआ आर्यन? बेटा देखा आपने कैसे अनसुना करता है? जाने दीजिए सर, वो टेंशन में है। आओ देखते हैं। कुछ मीडिया वालों का कहना है कि ये मर्डर है,
सुदीप की जिंदगी खुद सुदीप ने ही ली है। वंस अ जंकी इज ऑलवेज अ जंकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक सुसाइड केस ही है क्योंकि मृतक के पॉकेट से हमें LSD के टुकड़े भी मिले हैं। He is an important. लेकिन सुदीप की फैमिली को आपके एलिगेशन पे शक है। No. वो एक ड्रग एडिक्ट है, इस बारे में उसकी फैमिली भी अच्छे से जानती थी। जो नशा करके खुद के होश में ही नहीं रहते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। इस तरह की मौत आज के युवा के लिए एक वार्निंग है। नथिंग मोर टू से, प्रेस मीट ओवर। ओके, अरे मास्टर कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। मास्टर को तिरुवनंतपुरम जाना है, पता नहीं आर्यन कहाँ है, मैं चेक करके आता हूँ। IPS, Deputy Commissioner of Police. तुम जैसे criminals मेरा चेहरा कभी नहीं भूल सकते। तुमने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। दो दिन से तुम गायब हो, तुम्हारी कोई खबर नहीं। 48 घंटे से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। चलो एक खुशखबरी देती हूँ, दयानिधि मास्टर ने सुसाइड कर लिया है। छह औरतों की जिंदगी खराब करने वाले दरिंदे का पिता कहलाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए खुद को फांसी लगा ली। उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, पुलिस तुम्हें तलाश रही है, अब तुम नहीं बच सकते। Thank you.
तुम्हारे जैसे वैशी दरिंदे को जीने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है। तुम्हारे सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सुसाइड। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तुम्हें खुद करना होगा। अब सोचो मत, आगे बढ़ो। वासुकी जी आप नहीं आ रही हैं, आर्यन की बॉडी को ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम में आर्यन की बॉडी से हमें कोई भी शंकास्पद चीज नहीं मिल पाई है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये सुसाइड ही है। सो वासुकी, यू आर सेफ। फाइल को क्लोज कर रही हूं। और कोई बचा तो नहीं है ना? रो क्यों रही हो? उन सभी महिलाओं का आज तुमने बदला लिया है। ये तो पुलिस वालों का काम होता है। आम जनता के लिए तो बस एक ही उपाय होता है, लॉ एंड ऑर्डर। एनीवे, हम दोनों के बीच का रिश्ता मैं यहीं खत्म कर रही हूं। आज के बाद मुझसे कभी कॉन्टेक्ट मत करना। दिस इज डन। वासुकी और ऑफिसर जीना कुमारी के बीच का रिश्ता यहीं खत्म होता है। अगर हम जीवन में कभी मिल भी गए तो याद रखना तुम मुझे नहीं जानती। हम दोनों के बीच का रिश्ता मैं यहीं खत्म कर दूंगा। अब काले बादल छट गए। जब हमने बात करना शुरू किया था तुम आत्महत्या करना चाहती थी, पर डाउनफॉल के बाद तुम में आत्मविश्वास आ गया है। आज तक तुम्हारे पति और बेटी कुछ भी नहीं जानते। उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पता चला तो तुम पहले वाली वासुकी नहीं रह पाओगी। बिना किसी के पता चले तुम्हारी नई शुरुआत हुई है और आज से तुम पुरानी वासुकी हो, काम एंड क्वाइट। ये ही मेरा टारगेट था जो कि पूरा हो गया है। हम दोनों के बीच के सारे कॉन्टेक्ट एविडेंट तुम्हें खत्म करने होंगे ताकि किसी भी कीमत पर उसे रिकलेक्ट न किया जा सके। ओके, गुड बाय वासुकी।
उस दिन मैं दोपहर में छत पर आया था कपड़े सुखाने के लिए। मैं देखते ही समझ गया था, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। सच कहूं तो मुझे उन लड़कों से डर लग रहा था लुईस। लुईस, तुम वासुकी से कुछ मत पूछना, उसे एहसास ना हो कि तुम जानते हो। अरे गांजा वांजा नहीं, कोई बीड़ी पी रहा होगा। मैं 100% श्योर हूं, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। मुझे शक है कि पड़ोसन की बेटे ने पिया होगा। कौन, आर्यन? अरे बेचारा मासूम बच्चा है, टीचर का बेटा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दौरान जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो डीसीपी जीना कुमारी आईपीएस ने मुझे एक शाम अपनी गाड़ी से ओवरटेक किया। उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि मुझे आगे क्या करना है। पुलिस की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, माय नंबर इज। नंबर है मेरे पास। मैंने जीना के बारे में जो भी कहा सोच समझ कर कहा। उस वक्त उसे जरूरत थी एक ऐसी फीमेल फ्रेंड की जिसके पास पावर हो और जिसे वो सब कुछ बता सके। मैंने एक नया नंबर ले लिया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। नया नंबर पर जीना कुमारी की आवाज। आज की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, इसका इस्तेमाल क्रिमिनल को सजा देने के लिए भी हो सकता है। आप चाहें तो मर्द की आवाज को औरत की बना सकते हैं और ठीक उसका उल्टा भी। ये सब बड़ी आसानी से हो जाता है, बस आपको मार्केट से एक ढंग का सॉफ्टवेयर खरीदना होता है, और मेरे हथियारों में से ये भी एक था। अगले दिन वासुकी ने कॉल पर जीना से नहीं मुझसे बात की। यस, जीना कुमारी आईपीएस। अच्छा रावण, आई नो मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, तुम्हें फ्री होकर कॉल करती हूँ वासुकी, ओके? वासुकी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो,
वैसे तुम उन लोगों के साथ क्या करना चाहती हो? उन तीनों को मरना होगा, बस यही चाहती हूँ मैं। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? हाँ। वो आ गया है। उस सेक्स मैनियक का नाम तो बताओ मुझे। ओके। तब से मैं हमेशा उन लोगों के आगे पीछे रहता था। पहले मैंने उन दोनों को शहर से बाहर निकाला, उसके बाद काम शुरू करने से पहले मैंने असिस्टेंट बाबूराज को एक काम सौंपा सूरा और शिबू के लिए। सूरा और शिबू को तो ऐसे ही पकड़ लूंगा सर, पुलिस यूनिफॉर्म और गन है मेरे पास, आप चिंता मत कीजिए। वैसे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दिनों बाद मुझे मेरा काम मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। सुन दीपू, जल्दी से हथियार को धार करके रेडी रख। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मल वाले को पुलिस ले गई और मछली वाला गायब है। इस शहर में हो क्या रहा है? ये खेल शुरू से अंत तक मेरे ही हाथों में था। रामलाल को गांव से वापस लाने के लिए मैंने ही मुथु को 10,000 रुपए दिए थे। तुमने जो किया है अच्छे के लिए किया है, इसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है वासुकी। जिन औरतों के साथ उन लोगों ने दुष्कर्म किया है ये उनके लिए युद्ध है, इस बात को मत भूलना। टैको सुबो के बारे में सुना तुमने? टैको सुबो अगले शिकार के लिए हम यही हथियार इस्तेमाल करने वाले। व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है, उसे देखो। अपने भाई से बचकर रहो क्योंकि उसी ने वीडियो ली थी। लुइस, कुछ दिनों तक मुझे गिल्ट हुआ लेकिन अब ठीक है, सब ठीक है। उन तीनों को मारने का गिल्ट मत करो, भगवान कृष्ण ने कहा है ना। कृष्ण भगवान ने युद्ध धर्म के लिए किया था, पत्नी के लिए नहीं। और मेरा ये युद्ध मेरी पत्नी के लिए था, मेरी वासुकी के लिए। सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मुझे कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन कानून के चक्कर में फंसकर वासुकी का न्याय उससे नहीं छीन सकता था। मेरी फैमिली को कोई तोड़ना चाहे तो मैं कैसे चुप बैठूं? मैं भी इंसान हूं, कैसे चुप बैठूं? मेरे लिए सबसे अहम है मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी बेटी। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, भारत का संविधान भी नहीं।
यशवंत और मैं साथ नहीं रह सकते। आई वॉन्ट डिवोर्स। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, डिवोर्स नोटिस मैं आज ही भेज दूंगा। आज मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है दिल्ली में, बता देना कि सिटिंग कब है, मैं आ जाऊंगी। ओके ओके। हेलो सुप्रिया। हाँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैंने बात कर ली है। ओके। जीना कुमारी थी वो, तुमने बात क्यों नहीं की उनसे? अरे ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें मैं कैसे याद रहूंगी। अच्छा ही किया, वैसे भी तुम बात करती तो क्या करती, तुम्हें कथकली का सामान खरीदना है ना। चलो लुइस। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। बताओ कहाँ जाना है? तिरुपति चलते हैं, दोनों को साथ में वहाँ माथा टेकना चाहिए। वो तुम्हारे बाल निकाल के चंदन लगा देंगे। मैं भी कुछ मांग लूंगा कि हमारे परिवार में हमेशा ऐसे ही ढेर सारा प्यार बना रहे। कभी कभी कानून पर मुझे भी गुस्सा आता है, ये खबर सुनकर आपको भी आएगा। बस में एक लड़की के साथ उसका वकील अच्छा नहीं रहा होगा, मैं होता तो 5 साल की सजा भी नहीं होती। जो औरतों के साथ ऐसा करते हैं उन्हें महिलाओं के इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। एक नए कानून की जरूरत है। मेरा फीचर जबरदस्त होने वाला है। क्या है ये? स्त्री सम्मान मैगजीन की कवर स्टोरी है। हस्बैंड्स अगर कैसनोवा हो जाएं तो क्या होगा? एक प्लेबॉय 10 के बारे में सोचता है लेकिन पति के दिमाग में रहती है उसकी पत्नी। 1000 अलग अलग बिस्तर पर सोने वाला नहीं, एक ही बिस्तर पर 1000 बार सोने वाला असली मर्द। मातृवर्द परदारिश मतलब है पराई स्त्री को असली मर्द माँ के रूप में देखता है। एनिमल साइंस के हिसाब से इंसान पॉलीगैमस होता है, लेकिन इस धरती पर कई ऐसे जानवर हैं जो एक ही जीवन साथी रखते हैं। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, वही इंसान परिवार बना सकता है। अरे तुम यहाँ सोने वाली हो, बेटी वहाँ अकेली होगी। बेटी के पापा भी तो अकेले हैं, माँ को बेटी के साथ नहीं बेटी के पापा के साथ सोना चाहिए, ऐसा लुइस ने कहा था। मैंने कब कहा? क्यों याद नहीं, तुम्ही ने तो कहा था हम दोनों का साथ होना जरूरी है तभी परिवार चलेगा। हाँ फिर तो हमें अभी भी साथ मिलकर अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाना चाहिए।